दरभंगा जिले के कुशेश्वर स्थान पूर्वी प्रखंड के भिंडुआ पंचायत में 10 साल पहले ही हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का निर्माण हुआ था, लेकिन निर्माण के 10 साल बाद तक यहां किसी डॉक्टर की नियुक्ति नहीं हुई। लोग बताते हैं कि सेंटर का कभी ताला ही नहीं खुला। काफी दिन तक लोगों ने इंतजार किया, लेकिन कोई सुखबुगाहट नहीं होने के बाद लोग अब यहाँ अपना अनाज रखते हैं। तो सर, बना हुआ आज लगभग 4-5 साल हो गया है, और जब से ये बना है आज तक ये बंदे है, उसमें कभी ताला नहीं खुला है सर। कभी ताला नहीं खुला? नहीं। यहाँ हॉस्पिटल से कोई भी डिपार्टमेंट नहीं आया, आज तक नहीं आया। इस पे नर्स भी नहीं आती? कोई भी नहीं आ रहा है सर। तो फिर आप लोग जब प्राथमिकता के तौर पे उपचार करने आते हैं तो कहाँ जाते हैं? हम लोगों को सर, अगर परिस्थिति होता है तो कुशेश्वर स्थान जाना पड़ता है सर। अच्छा जी। कुशेश्वर से यहाँ की दूरी लमसम 5-6 किलोमीटर की दूरी है सर। 5-6 किलोमीटर? जी सर। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सर रुकेश राय, ग्राम पकरिया, वार्ड नंबर 13, पंचायत भिंडवा का मैं अस्थाई निवासी हूँ। स्थानीय समाज से भी त्रिभुवन कुमार इसके लिए राजनेताओं को जिम्मेदार ठहराते हैं। आज हम आपको बताते चले कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र, जो दरभंगा जिला का सबसे लास्ट क्षेत्र है, वहाँ पे शिक्षा में, स्वास्थ्य में सहित जनहित के बहुत सारे वैकल्पिक व्यवस्था का भी हालात लचर है। कुशेश्वर स्थान पूर्वी क्षेत्र अंतर्गत भिंडुआ पंचायत में आयुष्मान भारत के मध्य से हॉस्पिटल बनाया गया था, प्राथमिक केंद्र, जो आज तक विगत 6-7 साल के अंदर में एक दिन भी चालू नहीं हुआ है और जस के तस पड़ा हुआ है। ठीक उसी तरह से झजरा, जो कुशेश्वर स्थान पश्चिमी क्षेत्र में आता है, वहां भी हॉस्पिटल उसी तरह से बना, लेकिन आज तक चालू नहीं हुआ है। मैं पत्रकार बंधुओं के माध्यम से जिलाधिकारी से आग्रह करना चाहता हूं, अनुरोध करना चाहता हूं कि स्वास्थ्य के ध्यान में रखते हुए सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र, शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल का लचर जो व्यवस्था है उसको सुदृढ़ करने के लिए, और वहां पे तैनात डॉक्टर्स को, नर्स को करने का कृपा प्रदान करें, जिससे कुशेश्वर स्थान विधानसभा को मूलभूत सुविधा उपलब्ध होगा, क्योंकि जिला मुख्यालय लगभग कुशेश्वर स्थान से 70-80 किलोमीटर है। अनवरत ये सब पत्रकार बंधुओं के माध्यम से जानकारी मिला। मैं खास करके सामाजिक मुद्दा, जो जनहित का मुद्दा होता है, और कुशेश्वर स्थान विधानसभा ही नहीं बल्कि दरभंगा जिला का जहां होता है, जो सही मामला होता है, जो सत्य मुद्दा होता है, हम उनको उठा करके अपने वरीय अधिकारी तक, उन विभाग के अधिकारी तक रखने का काम करते हैं, ताकि जन कल्याण जैसे कार्य में योगदान हमारा हो सके। वही संबंध में जब हमने अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर सुधांशु शेखर झा से बात की तो उन्होंने कहा कि संज्ञान में नहीं आया है, जानकारी लेकर इसे गंभीरता से लिया जाएगा। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर क्या? हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर कई तरह की एनसीडी संबंधी बीमारियों का जांच होता है, इसके लिए खोला गया और इसे इस बीच में एक्टिवेट करने की कोशिश की जा रही है। दोबारा है इसकी जानकारी यदि अभी प्राप्त हुई है, इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। ऐसे कुशेश्वर स्थान पूर्वी में सिंधुवाई ऐसे कोई हमारे एनसीडीओ गए थे, जहां जाने के लिए रास्ता नहीं था, बहुत दिक्कत के साथ गए थे, उस संबंध में आपसे कार्रवाई की जाएगी। अब देखना होगा कि लोगों का इंतजार कब खत्म होता है और गांव में लोगों को स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हो पाता है या नहीं। दरभंगा से बोलता बिहार की रिपोर्ट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। अगर आप वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूले। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।